हेलो एवरीवन, स्क्रूटनी क्या होता है? बिहार बोर्ड रिजल्ट 2023, जिस जिस राज्य का रिजल्ट निकल रहा है वो इस वीडियो को जरूर देखें और दोस्तों को जरूर शेयर करें। चलिए सबसे हम बताते हैं स्क्रूटनी क्या चीज़ है, क्या होता है स्क्रूटनी में, करवाएं या ना करवाएं, इसके फायदे क्या चीज़ है। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपका रिजल्ट आ गया है तो आप अपने रिजल्ट देख लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम हिंदी में 100 में 100 करके आते हैं और हमारे रिजल्ट में 33 नंबर आ जाता है, 35 नंबर, और मुझे ये लगता है कि मुझे इतना नंबर कम मिला है तो मुझे इस कॉपी को फिर से चेक करवाना चाहिए। तो इस कॉपी की रीचेकिंग को स्क्रूटनी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रूटनी। ध्यान से, अगर आप कॉपी फिर से रीचेक करवाते हैं तो इसी को कहा जाता है स्क्रूटनी। पहला चीज, स्क्रूटनी में क्या होता है, सबसे पहले हम आपको बताएं, ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए। किसी भी लापरवाह व्यक्ति या अनजाने व्यक्ति के वीडियो पे मत जाइए, जानकार से समझिए, जो यूपी बोर्ड में काम करता है उससे सुनिए। ध्यान से मैं बता रहा हूँ, मैं कई वीडियो कई प्रूफ दे दूंगा, हमारे चैनल पे जाके देखेंगे तो कमेंट पड़ा है कि स्क्रूटनी में नंबर नहीं घटता है। जैसे सपोज करिए, आपने कोई पेपर दिया है और आपके रिजल्ट में 33 नंबर आया है और आप सोच रहे हैं कि कहीं हम स्क्रूटनी कराएं ये 32 ना हो जाए, तो बेटा ऐसा नहीं है, नंबर घटता नहीं है। कई स्कूल वाले कहेंगे घटता है, मैं कहता हूं नंबर घटता नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नंबर नहीं घटेगा, बल्कि जितना नंबर बढ़ा रहेगा उतना नंबर बढ़ के आएगा। अगर नंबर नहीं बढ़ेगा तो वही 33 नंबर सेम रहेगा, घटा के नहीं दिया जा सकता, या तो बढ़ा सकते हैं या तो उसी पर सेम रख सकते हैं। तो स्क्रूटनी का ये फायदा होता है, स्क्रूटनी में डरे ना। अगर आपको लगता है कि आपने बेस्ट दिया है तो स्क्रूटनी जरूर करवाएं, बहुत बेस्ट चीज़ होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई जानकारी चाहिए कमेंट